और अब बात करेंगे राजनीति की। देश में मतदान हो गया और अब मतगणना की बारी है। मंगलवार को यह तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। इससे पहले दोनों ही गठबंधन की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ये गठबंधन की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और जो विभिन्न एग्जिट रिपोर्ट और विभिन्न सर्वे रिपोर्ट के और जनता की मनोदशा के अनुकूल यह लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी ओर इंडी गठबंधन जो तथाकथित है उसने कौन सा सर्वे किया कि 295 प्लस की बात कर रहे हैं और माननीय तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता का सर्वे। अब मुझे यह अब तक समझ में नहीं आया कि अब तक तो यह सुनता था कि कंपनी और मीडिया हाउसेस सर्वे करता है, ये जनता के सर्वे कैसे होता है, जरा इसकी तकनीक कम से कम बता दें। एनडीए गठबंधन की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और जो विभिन्न एग्जिट रिपोर्ट और विभिन्न सर्वे रिपोर्ट के और जनता की मनोदशा के अनुकूल यह लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी ओर इंडी गठबंधन जो 4 जून की तिथि है, भाजपा 400 पार करेगी और ये जितने इंडी अलायंस वाले बयानवीर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं ये लोग चारों खाने चित होंगे। कल से इनके बयान लेने के लिए खोजिएगा तो एक ही बोल देंगे ईवीएम घोटाला हो गया। ये लोग जब जीतते हैं तो ईवीएम को नहीं ध्यान देते हैं और आज जब हारने की है तो पहले से कवायदा शुरू हो गया है कि एग्जिट पोल में गड़बड़ है। एग्जिट पोल जब कर्नाटका का आया था उस समय क्यों नहीं बोला आप लोगों ने कि भाई कर्नाटका का एग्जिट पोल गलत है। 4 जून की तिथि है तो पार करें। एग्जिट पोल जो है मैनेज्ड है एनडीए के द्वारा और जनता वोट दी है, ईवीएम में बंद है और हम समझते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो लोग भी गलत काम किए हैं जो इंडिया गठबंधन के यदि एनडीए के गठबंधन के लोग वो जेल।